हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्विथ एकेडमी। आज हम एंटोनियम्स और सिनोनियम की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम जो भी एंटोनियम सिनोनियम डिस्कस किया करेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि जो कि उनको भी पूरा पूरा लाभ मिल सके। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने कर ये एंटोनियम और सिनोनियम जो उठाए हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए ये बनाए हैं मैंने, और जो करंट द हिंदू में से जो आर्टिकल आते हैं डेली उनमें से भी मैंने उठाए हैं। तो ए वाले आज हम लगभग 10 करेंगे डेली, इसी तरह हम 10 किया करेंगे, और ए से जेड तक जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे कवर करेंगे हम, और इनसे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो वर्ड देख लेते हैं अक्यूमन। अक्यूमन मतलब होता है अकल। अकल का जो साइनोनियम्स बनेगा वो होता है समानार्थक शब्द अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, जो जिसको अकल होती है और जो जागरूक जागरूक होता है। तो एक से बन चुके हैं ये ब्रिलियंस। ब्रिलियंस इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं और चमक भी बोल सकते हैं। तो वही बात आ गई। तो ये दो क्या इनके सिनोनियम है। एंटोनियम देखेंगे स्टूपिडिटी मूर्खता, इग्नोरेंस अज्ञानता। तो ये इनके उल्ट शब्द है, एंटोनियम्स है। दूसरा वर्ड देख लेते हैं अधियर। अधियर क्या होता है? पालना। और इसका जो सिनोनियम बनेगा वो कंप्लाई और ऑब्जर्व। आपने क्या करना है, इन सब के जो इनकी हिंदी या पंजाबी जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आपने इस यहाँ पर लिख लेने हैं, और इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? इसका कंडेमन और डिसज्वाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं अबोलिस। अबोलिस क्या होता है? खत्म या खत्म करना। अब्रोगेंट, अब्रोगेट और एनुअल, ये इसके दो समानार्थक शब्द है। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे? स्टेबलिश। अबोलिश तो खत्म करना होता है और स्टेबलिश होता है स्टार्ट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अबेस। अबेस होता है निवास, जहां पर निवास करते हैं लोग। डिसकंसर्ट और रेटल, ये भी निवास के ही जो एंटोनियम सिनोनियम्स है। उसके बाद इसका एंटोनियम आ जाएगा अपफोल्ड और डिसकम्पोज, ये दो इसके एंटोनियम्स है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अबाउंड। अबाउंड होता है लाजमी, और इसके जो एंटोनियम्स है वो है फ्लोरिस और प्रोलिफरेट, ये इसके एंटोनियम्स है। नेक्स्ट जो सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं डेफिशिएंट या डेस्टिट्यूट, ये एंटोनियम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड देख लेते हैं वो है अबेट। अबेट होता है रोक दाम करना, और अबेट का जो सिनोनियम्स है वो है मॉडरेट और डिक्रीज। इसके जो एंटोनियम है अबेट के वो है अग्रेसिव। अग्रेसिव भी बोल सकते हैं या एग्रावेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड देख लेते हैं वो है अबजोर। अबजोर होता है त्यागना, और फोरसेक और रिनाउंस क्या होते हैं? इसके सिनोनियम होते हैं, ये भी त्यागना ही होते हैं। और अप्रूव या सेनक्शन, ये होते हैं गेन करना या प्राप्त करना। और नेक्स्ट देख लेते हैं आठवां अबोर्टिव। अबोर्टिव होता है निष्फल, जो सफल ना हो, और इसका सिनोनियम बनेगा वेन या अनप्रोडक्टिव। इसका एंटोनियम बनेगा प्रोडक्टिव। ये तो हमें पता ही चल रहा है अनप्रोडक्टिव का उल्ट प्रोडक्टिव होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एथम या गुलामी का, जो गुलाम या गुलामी का होता है वो सर्वाइल और ऑब्जेक्ट। इसके जो उल्ट शब्द बनेगा एंटोनियम वो बनेगा कॉमनडेबल। कॉमनडेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं अब सोलव, ये होता है दोष मुक्त करना, किसी को दोष से मुक्त कर देना वो होता है अब सोलव। पार्डन, पार्डन हमें पता है क्या होता है? माफ कर देना या
माफ या फॉरगिव क्या होता है, यह भी माफ कर देना होता है, और इसका जो सिनोनियम है अबोलिश अब्सोल्व के, ये पार्डन और फॉरगिव, और कंपेल होता है दोष लगाना, और एक्यूज होता है वो भी दोष लगाना। तो ये आज हमने जो 10 ए वाले किए हैं, इसी तरह से नियर अबाउट 30 होंगे ए वाले, जो जितने भी शब्द बन रहे हैं इंपॉर्टेंट जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस तरह से हम डेली कवर किया करेंगे। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।